तो इंटेंस हो गई है ट्रेनिंग। और यहाँ पे ये देखो, ये शैतान पत्थर लेके आया। मैक्स क्या लाया, तू नहीं छीकेगा ट्रेनिंग? अच्छी, मैक्स इतना कंफर्टेबल हो गया है जैसे इसका ही घर हो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग योगा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं। इतना खूबसूरत सा रास्ता देखो, पेड़ खिले हुए हैं, खेतों के बीच से मारे हैं। हाँ जी, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। इस व्लॉग में क्या क्या कहानी है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। सो बेसिकली कल हम गए थे मैक्स को लेके डॉक्टर के पास, जहाँ पे लंप से ना डॉक्टर ने उस लंप को ड्रेन किया, उससे उसमें सुई लगा के उसका जो अंदर फ्लूइड था उसे निकाला, तो जो लंप था थोड़ा छोटा हो गया। पर डॉक्टर का कहना यह था कि इस लंप को ना 3 दिन बाद हमें फिर से उन्हें आके दिखाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उतना ही है या क्या करना है। और हो सकता है इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी भी करनी पड़े। तो 3 दिन हमें हल्द्वानी में ही रुकना था, और हल्द्वानी में 3 दिन जब हम रुक रहे थे तो हल्द्वानी में बहुत गर्मी थी, मैक्स बहुत परेशान हो रहा था। तो हमने क्या करा, हम हल्द्वानी के पास वाले पहाड़ों पे चले गए रहने के लिए, जहाँ पे हमारे कुछ दोस्त भी थे और वहीं पे हमने मस्ती मारी मैक्स के साथ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैक्स 2 मिनट रुक जा, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक्चुअली कहाँ रुके थे। भाई क्या नज़ारा है, क्या जगह है, लुक्स सरियल, अमेजिंग 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 प्लेस। भाई सुबह जब हम बेड से उतर के जब मैंने पर्दा हटाया और ये नज़ारा दिखाना, ओ भाई क्रेजी है, भाई क्रेजी है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और सबसे अच्छा क्या है ना, मैक्स यहाँ पे फ्रीली घूम पा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई डॉग्स नहीं है इस प्रॉपर्टी में राइट नाउ। यहाँ पे वैसे एक वो रहता है डॉन, बड़ा सुंदर है। तो डॉन अभी मैंने मना कर दिया था कि आप डॉन को मत लाना प्लीज़, कहीं वो ना हो ना परेशान इसको देख के। चलो ये उसको देख के परेशान ना हो। तो यहाँ पे भाई घूमे जा रहे हैं मस्त अपना। मैक्स वैसे घूमता है पर भागता नहीं है, छोड़ के ना ए ना अंदर नहीं शैतान। तो मैक्स ना मेरे को मज़े मार रहा है और मेरे को ना बहुत दिल में बहुत खुशी हो रही है। मेरे भाई को सुसु वाटी कराने के लिए ले जा रहा हूँ मैं नीचे। ये नज़ारा देखो ना कितना सुंदर है ये ड्राइव वे। ऐसा लग रहा है भाई, ऐसा लगता है अलग ही जगह आ गया, अब इंडिया में नहीं हो। कल रात पहाड़ों पे आने का डिसीजन हमारा बहुत सही था, क्योंकि मैक्स करे तो चिल सोया और हम लोग भाई रजाई उड़ के सोए हैं। पता है रात को कम्बल टाइप का था वो उड़ के सोए हैं, इतना ठंडा था यहाँ। वहाँ भाई एसी के बिना जान जा रही थी। अच्छा मको मैं नीचे ले आया, मको इस वाले एरिया में ना यहाँ पोटी वोटी करा देते हैं इसको। डॉक्टर ने बोला था कि जो मैक्स की पीठ में जो गुब्बारा सा बना हुआ है ये धीरे धीरे कम होगा, बट उन्होंने बोला था कि इसकी जो हार्डनेस है ये कम हो जानी चाहिए 2-3 दिन में। तो इसलिए हमें यहाँ पे ना 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, ताकि उनको मैं आज फ्राइडे है तो कल मैंने उसे दिखाया था, थर्सडे दिखाया था उन्हें, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को उनको दिखाऊंगा, वो उसको चेक कर लेंगे फिजिकली। और एल्स अगर वो कह रहे थे नहीं होगा ना, तो इसमें हल्का से कट लगा के कुछ अंदर से निकाल लेंगे, वो ऐसे बोल रहे थे, इसको क्लीन कर लेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पे 2 दिन हमें रुकना पड़ेगा, और एल्स हम आज घर वापस जा सकते थे, हम फ्री हैं। क्या देख ले बब्बू, मक्कू ने खाना खा लिया, मेरे को दवाई भी दे दी, मक्कू की मालिश भी कर दी, और ये मेरा नाश्ता आ गया पोहा इन कर्ट। अभी भाई और इस नज़ारे में बैठ के देखते हैं नाश्ता करेंगे, मज़े तो आ रहे हैं देख के बहुत ज़्यादा। कहाँ चल रहे हो? तो दोस्तों मैं आपको ना एक छोटा सा अपना रूम टूर देता हूँ। भाई बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। सबसे पहले तो भाई यहाँ का व्यू, आप जब बेड से लेटते हो ना भाई और बाहर देखते हो तो जो आपको नज़ारा मिलता है ना, ओ माय गॉड यार, क्या मतलब क्या ही सीन है यार, है ना, है ना चुनी, क्या नज़ारा है, क्या जगह है यार ये, ऑल एवरीथिंग हियर। यहाँ की चाहे वुड वर्क देख लो आप, चाहे यहाँ की छत देख लो, यहाँ का फर्नीचर देख लो, आई मीन ये फ्रेम भी अगर आप देखोगे ना, इन जनरल एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइसली पुट टुगेदर। मैं तो अभी इस रूम में रह रहा था, थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, उसके लिए माफ़ी। और यहाँ से भाई देखो मेन तो यही है कि जो इसके बाहर का जो व्यू है ना, दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैक्स ओ मक्कू अच्छा भाई, यहाँ से ये जो नज़ारा है ना भाई, ये बहुत 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 क्रेजी है। एंड अभी तो ना ब्राइट सनी डे है, जब यहाँ पे बारिश होती है तो सारे पहाड़ ना कोहरे में डूबे हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है आप क्लाउड्स के यहाँ से देख रहे हो। सो इट्स लुक्स वेरी वेरी नाइस। और ये देखो बोट कितनी छोटी सी दिख रही है, देखो हम इतने दूर हैं बोट से एक्चुअली। मैक्स ओए क्या कर रहा है? एक्चुअली अनुराग गया हुआ है ना कुछ काम से, तो मेरी गाड़ी ले गया वो। तो मैंने कहा मेरे को वीडियो भी एडिट करना था और मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी क्लाइंट से, मैंने कहा मैं यहीं पे होटल में बैठ के, क्योंकि भाई ऐसी जगह से कौन जाना चाहेगा ना। तो मैंने कहा मक्कू तो है ही, मैं हूँ ही,
आराम से अपने चिल मारते हैं। ए मैक्स, मिट्टी खा रहा है तू? मिट्टी खा रहा है यार। तो मैंने कहा यहीं पे रिलैक्स कर लेते हैं, मैक्स लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। सो फाइनली इट्स टाइम टू से दिस प्रॉपर्टी गुड बाय फॉर नाउ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स आ गए, ये सजल आ गए, सजल सजल से भी मिलवाता हूँ आराम से। ये अली कहानी तो सुनाएंगे ना, कैसे मिले अभी हम यहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और घूमने। सो ये जो बिल्डिंग है ना, ये रिसेप्शन बिल्डिंग है, बहुत सुंदर लगती है भाई मेरे को। मैक्स इतना खुश है जा रहे हैं बोल के, कहाँ जा रहे हैं, चलो चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? रिसेप्शन बहुत ब्यूटीफुल है यार। इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स यार मैं सब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अभी आपको मैं आयुष से रेट वगैरह पूछ के वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकल पड़े एंड इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ। सो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का नाम है द लेक एम्बियंस और ये हमारे जो फ्रेंड है आयुष उसी की प्रॉपर्टी है। सो उनकी दो प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी है वॉलनट क्रीक, वो भी नौकुचे ताल में और अच्छी लोकेशन पे। एक ये है वॉलनट क्रीक के रेट दोस्तों शुरू होते हैं 3,000 के आसपास के रेट्स हैं सारे, 2-3,000 वाले जो रूम्स होते हैं अच्छे रूम्स हैं। यहाँ जो है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टी है और भाई 5-स्टार प्रॉपर्टी भी तो है ना, तो इस प्रॉपर्टी के रेट 6,000 से शुरू होते हैं, 15,000 तक जाते हैं। पेट्स दोनों जगह पे अलाउड है और आप अगर हिमालयन हस्की का बताएंगे वहाँ पे नाम तो आपको डिस्काउंट भी देगा आयुष। तो आप जाइए और यहाँ पे मजे लीजिए। खैर इस प्रॉपर्टी से हम अपने दूसरे दोस्त की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, वो एकदम पहाड़ में जंगल के बीच में। और वहां का ना मैंने वीडियो शूट नहीं किया रात का, तो अगले दिन सुबह का वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, सीधे नौकुचेताल से हम पहुंच गए हैं विस्ता होम्स। ये भी हमारे दोस्त की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली मैंने बीच का शूट नहीं किया बिकॉज हमने मोस्टली ट्रैवल किया था, तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये जगह भाई इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी बनी हुई है ना, एकदम जंगल के बीच में। और यहाँ पे ना बेसिकली डॉर्मेट्रीज भी हैं, रूम्स भी हैं, ना बहुत अलग ही वाइब है यहाँ की। तो यहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, बहुत ही क्रेजी है। सुबह सुबह भी मैक्स को खोल दिया हमने यहाँ, क्योंकि रात को तो लेपर्ड का डर लगता है ना जंगल के बीच में। हम अभी बाकी आपको आराम से दिखाऊंगा। भाई हैप्पी बर्थडे, मैं सजल भाई का बर्थडे है। और अब लोगों को भी कहानी सुनाएंगे कि सजल भाई अब यहाँ कैसे मिल गए। लोग कह रहे होंगे सजल तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ कैसे मिल गए। सो सजल भाई गुड़गांव में थे, इनका बर्थडे था, तो इनका बर्थडे मनाने हम पहाड़ों पे आएंगे और हम मैक्स को लेके आए थे यहाँ पे। तो मैक्स को गर्मी लगी तो हम भी पहाड़ों पे आ गए और फिर हम मिल गए और बर्थडे हमने साथ में सेलिब्रेट कर लिया। मतलब बेसिकली है ना कि अगर प्यार हो तो आदमी तो मिल जाता है। और बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, कल हमने बड़ा अच्छा प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया भाई का। और अभी हम आराम से उसी जगह पर रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली मौसम बहुत अच्छा था, मैक्स भी चले एकदम मस्त। मैक्स इतना कंफर्टेबल हो गया है जैसे इसका ही घर हो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग योगा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई कुछ करते हैं, बहुत ही सॉर्टेड सा सीन। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ही अमेजिंग भाई। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ना सारे, कोई CEO है कहीं का, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई किसी फील्ड में फोड़ रहा है। एक MMA फाइटर आया था भाई, अभी उससे मिले हम। मतलब इतने तगड़े लोग आए हुए हैं भाई यहाँ पे, एक अलग ही। और ये लोग ऐसे नहीं एक दो दिन के आए हैं यहाँ पे, मैं हफ्ते हफ्तों के लिए रहने के लिए आए हैं। यहीं पे रह रहे हैं, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। फ्री क्लासेस हैं, फ्री योगा क्लासेस चल रही है, MMA फाइटिंग वाली क्लास चल रही है फ्री। और वॉलंटियर मतलब ये खुद ही सिखा रहे हैं। हम तो अभी ना एक्चुअली हल्द्वानी में होते हैं, हमारे वहाँ पे ना मेरे को एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारा काम है और वहाँ पे कई सारे साइड विजिट्स भी करनी है। पर हुआ क्या कि फिर मैक्स को ना इतनी गर्मी लगने लगी कि भाई फिर हमें समझ में आ गया कि भाई वहाँ पे तो मज़ा आएगा नहीं। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, पहाड़ों पे चलते हैं। फिर सजल से बात हुई, सजल कहता भाई मैं बर्थडे मनाने के लिए यहीं आया हूँ। मैंने कहा अरे भाई ये तो मज़े आ जाएंगे। तो फिर हमने साथ में भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब लेजिट कहते हैं ना भाई, प्यार हो आदमी भाई कहीं से भी मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है। ये जो रूम है ना ये डॉग हाउस है, तो ये भी ना डॉग्स यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बंद हैं क्योंकि भाई उनके टेरिटरी में मैक्स है। अभी मैक्स की ना पिलाई हो जाएगी बहुत बढ़िया वाली अगर वो खुल गए तो। और उनके ना स्पाइक कॉलर्स भी दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे लेपर्ड्स बहुत है ना। ये देखो ये स्पाइक कॉलर्स है मेरा उस। सो यहाँ बैठ के हम काम करते, मैं ये ड्राइंग्स वगैरह बना रहा था। और इनका भी क्या प्लान बन गया है MMA। तो यहाँ पे एक भाई आया हुआ है, बहुत तगड़ा MMA करता है भाई, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, इतना तगड़ा बंदा है कि एम्स्टर्डम में खेल के आया है। तो वो अभी हमें मतलब मैं नहीं हूँ उसमें MMA की थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे वो हमें। मैं काम करते करते मेरा है मैक्स में देखेंगे इनको, बहुत बढ़िया इसको सिखवाना भाई MMA। ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, क्या सीख लिया राइट हैंड इज इन द फ्रंट, मैं साइड से दिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड यहाँ पे रहता है आपके नाम, स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस
अगर मैं पंच मारूं यहाँ पे और सपोज नहीं लगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। ट्रेनिंग तो इंटेंस हो गई है ट्रेनिंग, और यहाँ पे ये देखो ये शैतान पत्थर लेके आया। मैक्स क्या लाया तू, नहीं छीकेगा ट्रेनिंग मच्छी? तगड़ा भाई बंदा है, तगड़ा बंदा है भाई हमारा। देखो हम आपको अपना रूम दिखाते हैं ना, प्यारा रूम है भाई। मैं तो कल ऊपर सोया था, मैं बेमटे और हर्षित भाई ऊपर सोए थे, दाया सोए थे, सजल यहाँ सोए था, मैं तुम यहाँ सोए थे। इतना प्यारा रूम है ना ये देखो, कितना अच्छा है। फोन पे तो अच्छा नहीं दिख रहा ना, लाइट थोड़ी कम है, बट इन रियलिटी अगर आप आओगे यहाँ पे इट इज सो ब्यूटीफुल। दोस्तों आपका भाई हो गया है रेडी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी में को साइड विजिट्स करनी है कुछ, और सौरभ से भी मिलना है, और थोड़ा सा काम और भी है, और फिर देखते हैं कि रात को वापस पहाड़ आएंगे या हल्द्वानी रुकेंगे, जो भी करेंगे। यहाँ पे बहुत मजा आया भाई। हम निकल पड़े यहाँ से, अब एक सुंदर से ट्रैक करेंगे हम गाड़ी तक का। मक्कू में यहाँ रख ली, लीस्ट रख ली मक्कू में, अब हम यहाँ पे खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन दहाड़े भी कुछ सेफ है ना। कल रात को जब हम आए थे तो बात क्या आए थे जंगल के बीच, अभी तो एकदम मस्त है। ये देखो स्वैग, गाना भी चालू हो चुका है। देखो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, ये जो है ना प्रॉपर्टी ये वाले में, इधर ये इतना दूर आ गए हम, और यहाँ से आगे जा रहे हैं। इतना खूबसूरत सा रास्ता देखो, पेड़ खिले हुए हैं, खेतों के बीच से मारे हैं। चल मतलब छोटा सा ट्रैक था, 10 मिनट का होगा, 10-15 मिनट का, और हम पहुँच भी गए अपनी गाड़ी तक। ये मतलब लाला पहुँच गए। सो हम पहुँच गए हल्द्वानी, मैक्स हल्द्वानी में अपनी पहली साइट पे आ गए। एक एक करके सारी साइट विजिट्स करेंगे अभी हम। हल्द्वानी में ये जगह है डुम्बा डुम्बा, और यहीं पे साइड है बड़ी अच्छी अच्छी सी एकदम कॉलोनी है ना, तो बड़े बहुत सारे घर यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहीं पे अब एक सुंदर सा घर हम भी बना रहे हैं। पानी दे दिया रेत को मैक्स ने, चलो मजबूत हो जाएगी अब। मैक्स क्या लेके जा रहा है, कुछ उठा के ले जा रहा है मतलब। अरे हाँ, अरे बाप रे, ईद इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है मिस्त्री जी को दे देना, ठीक है। सो हमारी साइड हो गई, ठीक है मिस्त्री जी हमारे चलें, बहुत बढ़िया। चलो दूसरी साइड देखते हैं, चलो आओ। भाई गर्मी ऐसी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अरे मेरा चश्मा कहाँ गया। गर्मी से ना भाई आँखें नहीं खुल रही भाई, गौड़ यार मन नहीं करता हल्द्वानी आने का ना। और ऐसे आप अभी तो अच्छा मास्क नहीं पहनना, नहीं तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल। बाप रे पता नहीं आज जो लोग भी गर्म जगहों में रहते हैं भाई, आप लोगों भाई असली वॉरियर। समझ दूसरी साइड पे आ गए। मैक्स सब चेक कर लेना, बढ़िया से चेक कर लेना सारा, बता देना फिर तोड़ाई होगी यहाँ पे मिस्त्री की, इसकी तोड़ाई करेंगे, कुछ गलत काम करा होगा, बता दे मैक्स, जहाँ गलती होगी छुचू कर देना। मैक्स की खूब खातरदारी होती है, खूब मरिया है, प्यास लगी है, गर्मी हो गई बेचारे को ना, करें क्या भाई अभी। सही है मौसम ऐसे बाहर तो ओके ओके ही है, पर मैक्स के लिए गर्म है थोड़ा। हमने ना 5 साइटें निपटा दी हैं, और ये लास्ट साइट है बस। इसके बाद मेरे को एक्चुअली सौरभ के यहाँ जाना है, अंकल से मिलना है, कुछ घर का डिस्कस करना है ना, उनके चीज़ें तो उसमें भी टाइम लगेगा, एंड फिर हमें वापस पहाड़ों पे भी जाना है, तो हम ना अब एक दो साइट्स को अभी छोड़ देंगे, बाद में अनुराग अपना विजिट कर लेगा। आ जाओ शोनी आ जाओ, सूरज डूब चुका है तो थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है फॉर्चुनेटली। चलो ये लास्ट साइट है हमारी, ये है देवल चौड़ में। अच्छा ना सही पटती है इसकी, मेरे को गुर्र गुर्र भी नहीं करता ये, पता। दोस्तों हम सौरभ के यहाँ भी हो आए, हमने सारी साइड विजिट्स भी कर ली, अब हम फाइनली जा रहे हैं वापस पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों में है ठंडक, जो कि हमारे बेटे को मारा है वहाँ जाके रहने में मज़ा। तो यहाँ से वैसे उल्टा जा रहे हैं हम, बट कोई नहीं यार, अब रात को चैन की नींद के लिए हम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं नौकुचैताल, और भाई यहाँ हवा इतनी ठंड है ना, इतनी ठंडी है। ये हमारा पुराना घर था जहाँ हम यहाँ रहते थे किराए पे। फिलहाल तो यार हमारे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है बड़ी अच्छी अच्छी, तो इनवाइट करते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी मैंने एक और दोस्त है उनसे बोला भाई आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ, उन्होंने कहा आ जाओ भाई बढ़िया है, मिलना भी हो जाएगा, आप लोग रह भी लोगे। यार तो ठंड लग रही है, हवा देखो भाई साहब, इतनी तगड़ी हवा चल रही ना, बिल्कुल पेड़ वेड़ भी ऐसे उठ रहे हैं। मैक्स यहाँ तो ठंडा लग रहा है यार उल्टा, भाई साहब लेक के किनारे एकदम, ये पूरी लेक है दोस्तों, यहीं पे हमने रुकना है यार, तगड़ी प्रॉपर्टी है यार, बगल में बिल्कुल लेक के, क्या तगड़ा ही लग रहा है देख के। बड़ा ना क्यूट सा होटल है,
ए बतलू कहाँ ले गया तू? सुबह मतलब होटल में थे, दिन रात को अलग जगह थे, और आज रात को भाई और भी तकड़ी जगह है, मतलब बहुत ही फाड़ मजा आ रहा है। पूरी सामने लेक दिख रही भाई, क्या नजारे हैं। मैकू को थंदू बेटा, तेरी वजह से हो रहा है सारा। जितने का होटल रूम नहीं होगा ना कुल मिला के, उससे डबल पेट्रोल खर्च हो गया हमारा ये आने जाने में। उतने का तो था एसी खरीद लिया होता ना, अभी हमने किराए में एसी मिल जाता। इस शैतान के चक्कर में कोई नहीं। बाबू प्लान तो होना था पापा बीमार होने का, मैं तो पिथौरागढ़ में खुशी था, है ना? कोई बात नहीं। दोस्तों हम सब इतना थक गए थे ना कि हम वहाँ पे बस वी जस्ट क्रैश्ड, और कल हमें जाना है डॉक्टर के पास दोबारा से। वी आर लिटिल नर्वस ऑल्सो बिकॉज डॉक्टर ने बोला था कि अगर वो छिटली कम नहीं होगी तो मैक्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो क्या हुआ, डॉक्टर से बात क्या हुई, फिर हम घर कैसे आए, कब आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको अगले वीडियो में दिखेगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। मैक्स के लिए आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना प्रे करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब मेरी जान हो यार, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर एंड हमारे वीडियोज़ देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।